बागेश्वर के एक दिवसीय भ्रमण पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज डिग्री कॉलेज मैदान हेलीपैड पर जिलाधिकारी विनीत कुमार, एसपी अमित श्रीवास्तव सहित जनप्रतिनिधियों ने पुष्पगुच्छ और फूल मालाओं से स्वागत किया। इस अवसर पर महाविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में पुष्कर सिंह धामी द्वारा बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र की 9,424.23 लाख की लागत की 42 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। वहीं स्पीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बागेश्वर वासियों के लिए खुशी की बात है कि उनकी कई वर्षों से चली आ रही रेल मार्ग की मांग का सपना पूरा हो रहा है, जिसके लिए प्रधानमंत्री के प्रयासों से रेल मंत्रालय द्वारा टनकपुर से बागेश्वर नई ब्रॉडगेज रेल लाइन की फाइनल लोकेशन सर्वे को मंजूरी दी गई है, जिसके लिए 28,95,000 की धनराशि स्वीकृत की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं को रोजगार देने पर कार्य कर रही है, जिसके लिए विभिन्न विभागों में रिक्त चल रहे 24,000 पदों पर भर्ती और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रत्येक जिले में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण वितरित किए जा रहे हैं। बागेश्वर से संवाददाता अखिल आजाद जोशी की रिपोर्ट। कभी संविधान से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा भारतीय जनता महिला मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा, वंचित मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, सभी कारण बागेश्वर नगर, बागेश्वर ग्रामीण, हरी महिला सुखनाथी सर राशन देने का लंबे समय से हड़ताल पे, उनके बारे में क्या सोचा है? माननीय मुख्यमंत्री जी का बागेश्वर कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल रहा है। लोगों में उत्साह है, हमारे युवा मुख्यमंत्री के साथ लोगों में उत्साह बना है और उम्मीद है कि हम उत्तराखंड में बहुत जल्दी तरक्की करेंगे और बहुत विकासकारी बहुत अच्छे ढंग से होंगे। आपका सुनाम? रमेश सिंह। माननीय मुख्यमंत्री जी का जनपद बागेश्वर का जो दौरा है, तो मुख्यमंत्री बनने का सितम्बर आगमन, सारे कार्यकर्ताओं ने युवा के साथ स्वागत किया है और उन्होंने आकर यहाँ जनपद की भावनाओं को समझते हुए, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अंदर एक कार्यक्रम था, इसलिए बागेश्वर की विधानसभा की जो योजनाएं चंदन रामदास जी ने और हमारे जनपद के माननीय जिला अध्यक्ष जी ने जो मांग करी थी, वो सारे उन्होंने मान ली है और हमको आशा ही नहीं पर विश्वास भी है, क्योंकि वो जन जन के नेता हमारे उत्तराखंड के अंचल से, हमारे पहाड़ी अंचल से आने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमको उनसे विश्वास भी है और उन्होंने अपने जो उन्होंने कहा है वो पूर्ण होंगी, जल्दी जनता के आकांक्षाओं और इच्छाओं पर जल्दी उतरेंगी, यही मैं कामना करता हूँ। कार्यक्रम सफल रहा, भगवान भागवत सिंह की दीर्घायु की कामना करते हैं।